नमस्कार, चंबा दिवस पर हिमाचल टॉप न्यूज के चंबा इवनिंग टॉप बुलेटिन में आप सभी को चंबा दिवस की हार्दिक बधाई। आइए डालते हैं चंबा जिला की खबरों पर नजर। चंबा दिवस के मौके पर आज जिला के विभिन्न स्थानों पर लोगों की ओर से कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि 8 मार्च 1948 को चंबा रियासत का भारतीय गणतंत्र के साथ विलय हुआ था। यही कारण है कि इस दिन को चंबा दिवस के तौर पर भी जाना जाता है। इसकी हिमाचल निर्माण में भी अहम भूमिका रही है। इसका हिमाचल गैजेट में भी जिक्र है। यूक्रेन से चुवाड़ी के दो युवक मुकुल वासुदेव शर्मा व अमनदीप सागर घर सकुशल लौट आए हैं। इन्होंने बताया कि जो मंजर इन्होंने इन दो हफ्तों में देखा उसे जिंदगी में कभी भुलाया नहीं जा सकता। जब युद्ध शुरू हुआ तब से वह 6 दिनों तक बंकर में छुप कर रहे। वहां उन्हें केवल एक समय खाना दिया जाता था। 2 मार्च को यह लोग खार्किव रेलवे स्टेशन के लिए जोखिम लेकर पैदल चल पड़े। आखिरकार दोनों सकुशल भारत लौट आए, जिससे कि उनके परिजनों में खुशी है। अमनदीप के पिता सुदर्शन सागर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार प्रकट किया। हिमाचल प्रदेश राज्य स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के वित्तीय साक्षरता केंद्र चुवाड़ी की ओर से सुंदला में मोबाइल वैन के माध्यम से वित्तीय साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम शिविर आयोजित किया है। शिविर में लगभग 65 लोगों ने भाग लिया। बैंक की चुवाड़ी शाखा के वित्तीय सलाहकार विशाल सिंह ने शिविर में उपस्थिति लोगों को बैंक की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया। इस मौके पर सुंदला स्थित बैंक के सहायक प्रबंधक चुहर सिंह तथा ग्रामीण मौजूद रहे। सिविल अस्पताल डलहौजी में 10 मार्च को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह शिविर नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी सब डिवीजन लीगल सर्विस कमेटी डलहौजी के द्वारा कैरियर एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी डलहौजी के साथ मिलकर लगाया जा रहा है। कैरियर एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन हरप्रीत सिंह ने डलहौजी तथा आसपास के सभी नागरिकों से निवेदन किया है, शिविर में आकर इसको सफल बनाएं। यह ब्लड कैंप सिविल अस्पताल डलहौजी में 10 मार्च को 10 बजे शुरू किया जाएगा। जिला के पुलिस थाना सदर के तहत पुलिस टीम को एक चरस तस्कर को चरस के साथ गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। आरोपी ने पुलिस की नाकाबंदी को देख पिट्ठू बैग फेंक दिया तथा फरार होने का प्रयास किया। पुलिस ने आरोपी को काबू कर बैग की जब जांच की तो उसमें से 668 ग्राम चरस बरामद की गई। पुलिस ने आरोपी को मौके पर गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। उधर पुलिस थाना सदर के प्रभारी एसएचओ सकीनी कपूर ने मामले की पुष्टि की है। अभी के लिए बस इतना ही। कल हिमाचल टॉप न्यूज के मॉर्निंग टॉप बुलेटिन में प्रदेश की टॉप खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक देखते रहिए हिमाचल टॉप न्यूज.com।